वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 24/7 ए पी लाइब्रेरी। टुडे वी हैव द टॉपिक ऑफ फाइन आर्ट्स ऑफ प्लस वन क्लास एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दिस स्कल्पचर डांसिंग गर्ल। द नेम ऑफ द स्कल्पचर इज डांसिंग गर्ल, मीडियम इज ब्रॉन्ज, इट इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज, पीरियड इज सिर्का 2500 BC, लोकेशन इज मोहनजोदारो, साइज 10.5 × 5 × 2.5 cm, 4.1 inches, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। द सब्जेक्ट मैटर और थीम of this sculpture, a small bronze statue of a dancing girl. So this is a statue of dancing girl made of bronze material. Description of this sculpture: this is one of the greatest achievements of the artists of Mohenjo-daro as the masters of miniature. तो ये मोहनजोदारो के आर्टिस्ट की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स में से एक है। दिस इज वेरी फाइन। द ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ द डांसिंग गर्ल इज ओनली 4 inches हाई। तो ये ओनली 4 inches हाई है, हाइट इस स्टैच्यू की ओनली 4 inches है। एंड येट इट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ अ मेटल कास्टर्स एक्सीलेंट स्किल्स। तब भी ये एक मेटल कास्टर की एक्सीलेंट स्किल्स को शो करता है ये स्टैच्यू। दिस वर्ल्ड फेमस फिगर शोज अ फीमेल फिगर स्टैंडिंग इन अ त्रिभंगा पोज एज इफ रिलैक्सिंग आफ्टर अ डांस नंबर विद हर राइट हैंड रेस्टिंग ऑन हर हिप एंड द लेफ्ट एंटायरली कवर्ड विद बैंगल्स रेस्टिंग ऑन द लेफ्ट लेग फॉरवर्ड। तो ये स्कल्पचर जो बनाया गया है, स्टैच्यू जो बनाया गया था, इसमें डांस के बाद उस फिगर को रेस्ट करते हुए दिखाया गया है और इसलिए उसका एक हाथ है जो वो हिप पे है और जो लेफ्ट हैंड है वो पूरा कवर्ड है बैंगल से और वो लेफ्ट लेग के ऊपर फॉरवर्ड करके दिखाया गया है। Head is slightly tilted and hair tightened with a ribbon upon shoulder. जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो, head slightly tilted है, थोड़ा सा टेढ़ा है और hair ribbon के साथ tight किए गए हैं, shoulder के ऊपर हैं जो दिखाई दे रहे हैं आप। Eyes are closed, neck is decorated with a cowrie shell necklace. आईज क्लोज्ड हैं और नेक को डेकोरेट किया गया है कौरी शेल नेकलेस की हेल्प से। कौरी शेल नेकलेस दिखाया गया है, कौरी शेल जो शंख टाइप छोटे छोटे जो शेल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड कौरी शेल्स। हर आर्म्स एंड लेग्स लुक डिस्प्रोपोर्शनेट मे बी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। आर्म्स और लेग्स में प्रोपोर्शनेट फॉर्म में नहीं दिखाई गए, वो डिसप्रोपोर्शनेट फॉर्म में दिखाई गए हैं और मे बी दिस वॉज डन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी को शो करने के लिए ये दिखाया गया हो सकता है। द डार्क मीडियम ऑफ ब्रॉन्ज इज राइट फॉर द डार्क नेग्रोइड फेशियल फीचर्स। तो जो डार्क ब्रॉन्ज यूज किया गया है यहाँ पे वो डार्क नेग्रोइड फेशियल फीचर को शो करने के लिए बिल्कुल राइट है। द फीचर्स डू नॉट एक्चुअली हैव रिसेम्ब्लेंस टू एनी पर्टिकुलर फीमेल फेस। द लिप्स एंड नोज आर थिक एंड एलोंगेटेड, हाफ क्लोज्ड आईज रिसेम्बल द लाइमस्टोन बस्ट ऑफ हाई प्रीस्ट। जो लिप्स एंड नोज हैं वो थिक दिखाई गए हैं और आईज हैं जो वो एलोंगेटेड और हाफ क्लोज्ड दिखाई गई है यहाँ पे। द फिजिकल डिटेल्स ऑफ द बॉडी आर ऑल्सो
very less except for small breasts, curved waist and bare groin. तो यहाँ पे physical details हैं जो of the body वो बहुत कम दिखाई गई हैं. Only these features are shown in this statue, small breasts, curved waist and bare groin. The female figures of this civilization are believed to be devoted to the power of fertility of women. तो ये थी इस स्टैचू, इस कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में और नए टॉपिक्स के साथ. फॉर दोज सब्सक्राइब आवर चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस फॉर द नेक्स्ट वीडियोज और लाइव क्लासेस. Thank you.